सुनोगे थोड़ा से डार्क डार्क ह्यूमर, सपोर्ट करोगे उसको? क्योंकि यूजली लोग बोल देते हैं सुनेंगे फिर घूरते रहते हैं। अब मेरे साथ हो रहा है बहुत टाइम से और मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें तो बोला था सुनेंगे, कह रहा हमने सिर्फ सुनने का वादा किया था। माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड एंड तब से हमें ऐसे पाला पोसा गया कि हमें हर चीज़ पे सिंपति मिली है एंड एक पॉइंट पे मैं और भाई थोड़ा एक्सप्लॉइट भी करने लगे थे कि मम्मी बिस्किट्स, मम्मी कहती नहीं मम्मी पापा होते तो करना पड़ता है भाई ये सब। हाँ बहुत सही होता है अगर पापा नहीं है ना तो बहुत ही प्यार है यहाँ पे जिसके किसी के फादर एक्सपायर्ड, गिव मी अ चीयर तो नहीं बोलते, गिव मी अ आरआईपी ऐसे करके कुछ कर सकते हैं क्या? देख रही बहुत सही, मैं पता एक तरीके से मम्मी मम्मी के लिए कभी चली नहीं ठीक है घर पे, क्योंकि वो हमेशा से पापा ना अल्फा बनते थे घर के कि भाई मैं तो मैं मर्द हूँ घर का ऐसे बनते। और ये ना आया भी बहुत अजीब जगह से था, मतलब उनका जो ये टॉक्सिक वो WWE देखते थे, 40 साल का बंदा WWE देखता था। आप लोगों को पता है ना WWE, आप लोगों ने देखा देखा? आप रुक गए ना, लेकिन मेरा बाप नहीं रुका वो देखता रहा। उसके उनके दोस्त उस घर आते हैं वो म्यूचुअल फंड्स की बातें कर रहे हैं, मेरे पापा मुंह में पानी भर के आ रहे हैं कि भैंस चोद मैं HHH हूँ। टाइम टू प्ले द गेम। अरे यानी भाई को पापा ने काफ़ी इन्वॉल्व कर लिया था WWE में, मैं थोड़ा अलग सा रहता था, भाई बिल्कुल ऑल इन WWE चला गया था, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब बिलीव करने लगा था और पापा को खुद तो पता नहीं था नकली है, समझ रहे हो, वो बेटे को क्या पता है। तो मैं ही जाके उसे बोल पता था कि भाई पता है ना ये सब नकली है, तो बिल्कुल ऐसे हो कि पागल है क्या, पापा ने बताया ना, उस टाइम पापा को चूतिया नहीं बोल सकता। मेरा भाई नकली है, कह रहा नहीं नहीं, मैंने बोला अरे तुझे पता नहीं कि वो पंच जब मारते हैं तो यहाँ पे रुक जाते हैं, कैमरा एंगल चेंज होता है और पैर से ऐसे करते हैं तो ऐसा लगता है पंच है। तो उसने बोला करके दिखाइयो जो तू बोल रहा है। अब देखो वो है प्रोफेशनल्स, मेरा हाथ नहीं रुका भाई। तो उसके नाक से खून आने लगा, तो मुझे लगा मेरी गांड मारेगा, बेटा खुश हो गया, कह रहा था ना असली है। एनीवे क्या बता रहा था, मम्मी की सुनी नहीं कभी पापा ने, मम्मी का मन था मेरा नाम मृदुल रखने का और पापा ने बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो बहुत टफ हो गया, मधुर कर दो। और मधुर तो बहुत ही खराब चॉइस थे क्योंकि मधुर का मतलब ही मीठा होता है। तो तुम समझ रहे मेरी स्कूल लाइफ कितनी खराब रही है, मैं LGBT सपोर्ट कर रहा हूँ जब था भी नहीं, मैं सेकंड क्लास से लगा कि मुझे गे राइट चाहिए, कह रहे तो मोमन वाला हूँ नहीं बस राइट चाहिए मुझे। उठाई थी मम्मी ने आवाज़ उठाई थी कि रखते हैं ना इसका नाम, प्लीज रखते हैं ना मृदुल नाम रखते हैं। पापा ने बोला नहीं नहीं तुम जाके चाय बना के आओ। तो मम्मी चाय बनाते हुए क्या ही सोचती हो कि मेरी हर बात का जवाब चाय बनाना क्यों होता है, इसकी तो गांड मारूंगी इस दिन। नहीं ऐसा नहीं बोला होगा, मम्मी अच्छे घर से थी ठीक है, मम्मी ने बोला होगा कि मधुर के पापा की तो गांड मारूंगी किसे। कभी नाम से नहीं बुलाया पापा को, गाली गलौज करती थी थोड़ा बट जाने देते थे। यार जब पापा का डेथ का टाइम था ना तब भी उस टाइम तो अपना हटा दो ना ये जो भी अंदर का अल्फा है उस टाइम रहने दो, क्योंकि इसलिए किसी को ना उनके दिल में दर्द हुआ ठीक है, दिल में दर्द हो रहा, उन्होंने बोला एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस आई आगे जाके बैठ गए। मम्मी को बोल रहे कि तुम पीछे बैठो। और ऐसा भी नहीं कि आगे बैठ के ऐसे मतलब चुप है, बकचोदी करे ड्राइवर से, ऐसे कैसा लगता है लाल बत्ती टप के, बिना यूपी से करे लाल बत्ती मिली कैसे तुझे। वो बोल रहा है कि मैडम मास दो, बकचोदी कर रहा है बैठ के। हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो वहाँ ना मुझे लगता है कि डॉक्टर वहाँ सब नर्स ही होती है मुझे लगता है।
उनको नहीं पता भाई, उन्होंने आके पता है क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि या तो एसिडिटी है या फिर मेजर हार्ट प्रॉब्लम। ये कैसी इंसाइट है? हम इस पे क्या रिएक्शन दें? क्या तो हमारी बिल्कुल ही गांड फट जाएगी भाई, मर जाएगा, या सिर्फ इनो पिलानी है? और वहां पे भी पापा बोल रहे कि एसिडिटी करवा दो, आपकी उम्र नहीं है। हम गए दूसरा हॉस्पिटल, गए वहाँ पे जो होना था हो गया, एंड मतलब हम घर आए, घर पे फ्यूनरल का माहौल था। और तुम में से कभी किसी ने किया अटेंड फ्यूनरल वगैरह? देखा यार कैसे लोग बहुत ही ज़्यादा रोते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही रोते हैं मैंने देखा है। एक तो बंदा फर्स्ट टाइम देख रहे थे मैं और भाई कि ये क्यों रो रहा है, तो मैं और भाई तो चले गए कि भाई आप क्यों रो रहे हो? कहता भाई उन्होंने लोन लिया था, अब चुकाएगा कौन, तू रोता रहे। पता नहीं, मतलब मैं नहीं रो रहा था क्योंकि मैं सेकंड क्लास में था, इतना इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं था। बट मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई भी नहीं रो रहा है, वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। तो मैंने उससे जाके पूछा कि भाई ये सब रो रहे हैं, तू क्यों नहीं रो रहा है? तो कहता भाई ये सब चूती हैं, वो अंडरटेकर भी तो मर गया था, आ गया था ना वापस। वो तो 7 बार मरा था, पापा का तो फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो हमने साइड में देखा कि सारी आंटी हमें घूर रही हैं कि ये सगे हैं भी कि नहीं है, तो हम पे प्रेशर बन गया रोने का। तो मैंने बोला भाई क्या करना है? कहता है एक जोड़े को थप्पड़ मार देते हैं, कह रहा इमोशंस है नहीं फिजिकल पेन से रोएंगे। तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसे थप्पड़ मारा तो मेरा वाला तेज लग गया, तो उसने मुझे उल्टा मार दिया और वहां पे लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे मैं और भाई लड़ रहे हैं और वहां पे आंटियों ने बातें बनानी स्टार्ट कर दी कि बाप मरा नहीं, जायदाद के लिए पहले लड़ाई स्टार्ट हो गई। मैं थोड़ा सा रोने लग गया था क्योंकि भाई ने बहुत ही ज्यादा पेल दिया था मुझे। तो मम्मी आई मुझे शांत कराने, मम्मी ने बोला कैसे रोते नहीं है मृदुल? मैंने बोला मधुर करी माँ चुदा है मधुर। अब से तुम मृदुल है। तो स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है कि मम्मी खुश है, बाप मर गया, बट ये तो चलता रहता है। हूं मैं गंदी औलाद बगैर नस्ल, चखने में निकला जहरीला प्रसाद, गाता पापी गजल, तो समझो कि जब भी मैं बनूंगा लाश, ना बिछाना कब्र।